Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Varkha Gupta, and I know कि आप सब जानते ही हैं अब तो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मिनिमम वेज एक्ट है 1948, जिसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 3. We have already done with part 2, जिसमें हम definitions और introduction part, history part, objectives, silent features, ये सब कुछ हम उसमें cover कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने वो चीज़ नहीं देखी है, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा आपने देखा कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 2 तक हमारा क्या था, डेफिनेशंस थी. अब सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक का हम यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो सेक्शन 3 आपका जो आ रहा है, इट्स रिलेटेड टू द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस. कि मिनिमम वेजेस, अब मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है ये आपको पता चल ही चुका है. वर्कर्स के प्रोटेक्शंस के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिससे कि एम्प्लॉयर जो है उसको एटलीस्ट उतना पैसा तो दे जितना मिनिमम वेज में बोला गया है, जिससे उसकी सोशल नीड फुलफिल हो सके. उसके लिए बनाया गया है मिनिमम वेज एक्ट. उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, किसके, वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है मिनिमम वेज एक्ट. तो अब उसी मिनिमम वेज एक्ट का कैसे फिक्सेशन किया जाता है और कैसे रिवीजन किया जाता है, इसकी डिटेल आपको सेक्शन 3 में बताई गई है. तो बच्चों, एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको सेक्शन पूछा जाता है, तो सेक्शन, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सेक्शन 3 में क्या बताया गया है रिलेटेड टू द मिनिमम वेज एक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्सेशन के बारे में बताया गया है. फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 3 इन मिनिमम वेज एक्ट 1948. यस, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे फिक्स हो रहा है. तो होता क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को. ठीक है, और ये करती है, एक्चुअली आपको पता ही है कि शेड्यूल्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. उन शेड्यूल्स पे एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल दी गई है, तो एम्प्लॉयमेंट्स के बेसिस पर मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाता है. और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो इसमें काम करती है. तो फिक्स करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट काम करेगी, और किसके बेसिस पर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के शेड्यूल के बेसिस पर काम करेगी. दूसरी चीज बताई गई है कि जो भी रेट फिक्स की जाती है, है ना, तो उसके लिए जैसे शेड्यूल्स में बताया गया है, उसी तरह से डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पर भी उसे, या फिर स्पेसिफिक क्लासेस के बेसिस पर भी उसको देख के, चेक करके उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट के अकॉर्डिंग कितना आपको, किस क्लास को कितना पैसा देना है. ठीक है, किस और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जिस स्टेट में ये लागू हो रहा है, उस पूरे स्टेट में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसी तरह की रेट सभी वर्कर्स को मिलेगी, है ना. अगर सेम काइंड ऑफ वर्क है, सेम काइंड ऑफ पर्सन्स अगर वर्क कर रहे हैं, तो पूरे स्टेट में जो मिनिमम रेट डिसाइडेड है वही उसको करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें कि इसका ना रिव्यू भी होता है. तो हर 5 साल में, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है, हर 5 साल में यहाँ पर इसका एक रिवीजन भी होता है. किसका, मिनिमम वेज का. मिनिमम वेज डिसाइड हो गई, डिसाइड होने के बाद में हर 5 साल में उसको रिवाइज किया जाता है कि लाइक ऑब्वियसली जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से पैसा भी बढ़ना रिक्वायर्ड है. तो उसी चीज को यहाँ पर भी बताया गया है कि 5 साल के अंदर में इसे रिवाइज किया जाना है. क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं. अब मिनिमम रेट जो है किस पर बेस्ड रहती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मिनिमम रेट बेस्ड ऑन मिनिमम टाइम रेट सिस्टम, मिनिमम पीस रेट सिस्टम, अ गारंटीड टाइम रेट सिस्टम एंड ओवर टाइम रेट सिस्टम. ये 4 तरीके से इसको किया जाता है. अब जैसे मिनिमम टाइम रेट सिस्टम की अगर बात की जाए, तो टाइम यहाँ पर बेस क्या है, टाइम है. फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्कर आया आपके यहाँ पर और उसको आपने कहा कि भाई अगर तुम 8 घंटे काम करोगे तो आई विल गिव यू 100 रुपीज. ठीक है, आप 8 घंटे के उसको 100 रुपीज दे रहे हो, या टू लाइक आपने एक डिसाइड कर लिया कि 2 आवर्स आप काम करोगे तो आपको 50 रुपीज मिलेगा, या जो भी कुछ आपका है. बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम, कि टाइम के बेसिस पर आप यहाँ पर डिपेंड कर रहे हो कि मिनिमम रेट आपको कितना देना है. फिर जितना आपका एम्प्लॉयर की क्षमता होती है, वो उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ा भी सकता है. बट मिनिमम अगर डिसाइडेड है कि मिनिमम अगर उसको 100 देना है, तो 100 आपको देने ही पड़ेंगे 8 घंटे. क्लियर है, दिस इज मिनिमम रेट सिस्टम. नेक्स्ट है आपका मिनिमम पीस रेट सिस्टम.
पीस रेट सिस्टम, पीस का क्या मतलब है, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसकी बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रॉक बनाने के या एक कोई बॉक्स है उसे क्रिएट करने के 10 रुपीज आपके बनते हैं, ठीक है। तो अब उस पूरे दिन में अगर आपने 5 फ्रॉक्स बनाए हैं या 5 बॉक्स बनाए हैं तो दैट मीन्स कि यू गेट दी 50 रुपीज। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि पीस रेट सिस्टम में क्या होगा कि पीस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो जितना पीस आप बनाओगे, जितना प्रोड्यूस करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है गारंटीड टाइम रेट सिस्टम। गारंटीड टाइम रेट सिस्टम ये भी आपका टाइम रेट सिस्टम ही है। इसमें जो पैसा दिया जाता है वो पीस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है कि जितना आप पीस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टाइम डिसाइडेड है कि आपको, मान लीजिए ये बोला गया कि 8 घंटे के अंदर आपको 5 पीस कंप्लीट करने हैं, है ना, 8 घंटे के अंदर आपको 5 पीस कंप्लीट करने हैं। और 5 पीसेस के लिए यू विल गेट दी, अगर आपने 8 घंटे के अंदर 5 पीसेस बना लिए तो डेफिनेटली ये गारंटीड हो गया कि आपको इतने घंटे में इतना काम करना ही है कि आपने बना लिए तो आप जो है वो 100 रुपए रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि गारंटी दे रही इस बात की कि इतने टाइम में अगर आप इतना यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो इतना पैसा तो आपका निश्चित ही है कि वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है। टाइम रेट में क्या होता था कि वर्कर्स कई बार क्या करते थे कि 8 घंटे ही तो निकालने हैं, तो काम में कई बार लेजीनेस हो जाती थी कि 8 घंटे निकाले और करके चले गए काम, ठीक है। तो हो सकता था उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाए, इन केस ऑफ कभी कभी ऐसा हो जाता है। पीस रेट सिस्टम में क्वालिटी उतनी नहीं दे पा रहे हैं, है ना, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में हो सकता है क्वालिटी बिगाड़ दी कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना हम गेन कर सकते हैं, तो क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसलिए गारंटी टाइम रेट सिस्टम आया कि पीस के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है, बस इतने घंटे में आपको इतने पीस जनरेट करके देना ही देना है, दैट इज द गारंटी टाइम। इतने घंटे में इतने पीस जनरेट करके देना ही देना है। तो उसमें क्या होगा कि सामने वाला बाउंडेड है कि हाँ इतने पीस देना है मुझे, मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो एक तरफ से वो निश्चिंत रहता है कि इतने पीस ही बनाने और इतने घंटे ही काम करना है। तो वहां पर एक निश्चितता आ जाती है और वो एक क्वालिटी भी जो है वो आपकी बनी रहती है। तो ये होती है तीनों, क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आता है ओवरटाइम रेट, कि ओवरटाइम रेट क्या होता है। ओवरटाइम का मतलब पता है, नहीं पता फिर से बताती हूँ। देखो एक्चुअली ये हम ऑलरेडी टर्म पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट कोई नहीं है। ओवरटाइम का मतलब होता है जितना टाइम आपको देना है ऑर्गेनाइजेशन में उससे अगर आपने ज्यादा टाइम दिया है तो वो ज्यादा टाइम जो होता है इट कैलकुलेट एज अ ओवरटाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको 8 घंटे टाइम देना है, ठीक है, बट ड्यू टू वर्क बहुत ज्यादा था किसी टाइम पर, तो आपको बोला गया कि आप 1-1 घंटा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 9 आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 8 घंटे की आपका जो वेजेस डिसाइड था वो मान लीजिए 100 रुपीज था, तो 8 घंटे पे आपको 100 रुपीज मिल ही रहा है, लेकिन ओवर टाइम वेट जो रहता है ना वो हमेशा डबल रहता है। ओवर टाइम रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा, डबल रहेगा। इन केस अगर आपने 1 घंटा काम किया हुआ है, जैसे 8 घंटा आपने काम किया आपको 100 रुपया मिल गया, लेकिन अगर आपने 1 घंटा जो है वो काम किया हुआ है तो उस केस में आपका क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि 1 घंटे का आपको 20 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि 1 घंटे का आपको 20 रुपीज मिल रहा है, तो आपको ओवर टाइम के केस में अगर आपने 1 घंटा दिया हुआ है तो 20 × 2 मतलब आपको 40 रुपीज वहां पर मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ओवर टाइम का रेट हमेशा कितना रहेगा, ट्वाइस रहेगा, मतलब डबल रहेगा। अगर 1 घंटे का टाइम रेट कितना है, 1 घंटे का रेट आपका कितना है, 20 रुपीज है, तो लेकिन ये 1 घंटा आपका कौन सा है, ओवर टाइम वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि उस 1 घंटे के आपको दुगने पैसे मिलेंगे, यानी कि 40 रुपए मिलेंगे। तो ओवर टाइम जो रेट रहती है वो हमेशा दुगनी रहेगी नॉर्मल रेट से, तो पर आवर्स के हिसाब से वो आपका मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाता है, मतलब दुगना पैसा आपको मिल जाता है, क्लियर है। तो दिस इज दी, ये आपके मिनिमम रेट के सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं, टाइम के बेस पर, पीस के बेस पर, गारंटी टाइम के बेस पर और ओवर टाइम के बेस पर, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ मिनिमम वेज एक्ट 1948, डिफरेंट मिनिमम वेजेस मे बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके थ्रू फिक्स हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। किस बेसिस पर हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ चीजें बताई गई है कि इस बेस पर भी आपका मिनिमम वेज जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर जो कि आपके शेड्यूल में गिवन है, उन्हीं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितना वेजेस किसको किस एम्प्लॉयमेंट के लिए देना है। डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पर लाइक स्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, सेम एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना। जैसे एक जगह पर इंजीनियर भी काम कर रहा है, क्लर्क भी काम कर रहा है, वॉचमैन भी काम कर रहा है, तो इन सब की क्लासेस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती है या इनका वेजेस फिक्स किया जाता है। तो मिनिमम वेज भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट है कि जो अगर एडल्ट है, एडोलसेंट है, चाइल्ड है या अप्रेंटाइज है, उनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इनको कितना पैसा देना है, ठीक है। एडोलसेंट का मतलब आपको पता ही होगा, 15 से 18 की एज के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें एडोलसेंट कहा जाता है। फिर चाइल्ड, जो 15 साल या 14 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उन्हें चाइल्ड कहा जाता है। एडल्ट 18 प्लस को एडल्ट कहा जाएगा। अप्रेंटाइज यानी कि जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस केसेस पर भी उनका वेजेस डिसाइड होगा। बाकी डिफरेंट लोकेलिटी, जहां पर वर्कर्स की लाइक कुछ ऐसी जगह है जहां पर वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस जगह पर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो पैसा ज्यादा दिया जाएगा भले एम्प्लॉयमेंट आपका सेम क्यों ना हो। तो लोकेलिटी के बेसिस पर भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके जैसे कि लेह लद्दाख जैसी जगह का अगर देखा जाएगा तो वर्कर्स ढूंढने जाओगे तो कम मिलेंगे, तो वहां पर ऑब्वियसली वर्कर्स का जो वेज होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली मुंबई, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंट मिनिमम रेट, डिफरेंट मिनिमम रेट ये आपका सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 है। तो ये भी आपका बताया गया कि किस किस बेसिस पर आपकी रेट डिसाइडेड होती है। तो बाय आवर्स, घंटों के बेसिस पर हो सकती है, डेज के बेसिस पर हो सकता है, मंथ के बेसिस पर हो सकती है, या फिर लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई है कि कितने समय तक वो काम कर रहा है तो उसके बेसिस पर भी हो सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इनके बेसिस पर आपकी रेट डिसाइडेड हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। सेक्शन 4 यहाँ पर बता रहा है कि किस बेस पर मिनिमम रेट को डिसाइड किया जा रहा है, लाइक डिसाइड का क्राइटेरिया या उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, है ना। कंपोजिशन हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन क्या है मिनिमम रेट का, मिनिमम रेट का कंपोजिशन क्या है, तो वही यहाँ पर आपका बताया गया है कि द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कंसिस्ट ऑफ बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस स्पेशल अलाउंसेस। क्या क्या आ गया आपका, बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस। ये स्पेशल अलाउंसेस बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग के को लेकर लिए जाते हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन रहता है वो कमिश्नर के थ्रू दिया जाता है, और वो भी दो बार दिया जाता है, ठीक है। और ये 6 मंथ में एक बार दिया जाता है, एक 1 अप्रैल को दिया जाएगा कि कितना किस क्लास का कितना वेजेस डिसाइडेड होना है, तो एक बार 1 अप्रैल को बताया जाता है कमिश्नर के थ्रू, और एक बार 1 अक्टूबर को बताया जाता है। तो इस तरह से ये नोटिफाई किया जाता है बाय द कमिश्नर, ठीक है। अब किस किस बेसिस पर होता है, तो पहला देखो, बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस, जो कि डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिस पर कि कितना आपका महंगाई चल रही है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। सेकंड क्राइटेरिया है, बेसिक तो आपका जितना मिनिमम है वो है ही है, उसके साथ में जो उनको लाइक कुछ सप्लाई किया जाता था मटेरियल, फूड, क्लोथ, उसकी जगह पर उनको कैश वैल्यू दी जा रही है, तो एक ये तरीका है। और तीसरा तरीका है कि उनको जो बेसिक है वो तो दिया ही जा रहा है, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी मिल रहे हैं और साथ में उनको कैश वैल्यू भी मिल रही है जो भी उनके कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल यानी कि फूड के लिए या क्लोथ के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो भी उनको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरीके से यहाँ पर आपका जो जो कंपनी चाहे वो इन तीनों को यूज कर सकती है, बट इतना उसे ध्यान रखना है कि बेसिक के साथ में उसको स्पेशल अलाउंसेस प्रोवाइड करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया, बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस, क्लियर, बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपका बता रहा है प्रोसीजर क्या है फिक्स करने का और रिवाइज करने का। तो इसके लिए ना 2 तरीके बताए गए हैं कि 2 तरीके से हो सकता है ये। एक बताया गया है आपका सेक्शन 5(1)(a) और एक सेक्शन 5(1)(b). पहला है आपका कि एक कमिटी फॉर्म की जाती है, कमिटी बेसिकली इसी पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है, किसके लिए, ये फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट, मिनिमम रेट को फिक्स करने के लिए कमिटी फॉर्म की जा रही है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या करते हैं कि एक प्रपोजल जो है वो ऑफिशियल गजट्स में कर दिया, डाल दिया कि भाई इतने इस क्लास के लिए हमने इतना इतना पैसा डिसाइड किया हुआ है,
ठीक है, उस पेज पर उन्होंने अपना डाल दिया और पब्लिक कमेंट के लिए उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करा दिया है कि आप जहां से उनको पब्लिक कमेंट मिल जाए कि अगर लाइक वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बात के लिए उसको पब्लिश करवाया जाता है और कमेंट मांगे जाते हैं कि इसके ऊपर हमें अपने राय दीजिए। और दूसरी बात कि जब भी ये पब्लिश कराया जाता है तो 2 महीने के अंदर अंदर ही आपका ये जो नोटिफिकेशन है ना, उसकी डेट के 2 महीने के अंदर ही अंदर इस प्रपोजल को कंसिडरेशन करना पड़ता है। मतलब अगर आपने प्रपोजल दे दिया कि इतना इतना हमारा वेज डिसाइडेड हुआ है, तो कमेंट वगैरह जो भी आए आपके पास में उसके बेस पर आपको फिक्स करके 2 मंथ्स के अंदर अंदर देना चाहिए, देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते उसे। और जो कमिटी आपकी बनती है, ध्यान दीजिएगा, जो कमिटी आपकी बनती है उसमें जो मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे उसमें एम्प्लॉयर रहेगा, एम्प्लॉयज रहेंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन्स रहेंगे। अब बात आती है इंडिपेंडेंट पर्सन्स कौन होते हैं। अगर आपने कंपनसेशन एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद आएगा कि इंडिपेंडेंट पर्सन्स कौन होते हैं। एक्चुअली इंडिपेंडेंट पर्सन्स का मतलब वो होता है कि कभी भी 2 डिस्प्यूट पार्टी हो गई जैसे, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी इसके बारे में बताया गया है, तो 2 डिस्प्यूट पार्टी हो गई या फिर वो दोनों पार्टीज जो किसी भी एक्ट में साथ में आ रही हैं, जैसे यहाँ पर मिनिमम रेट को डिसाइड करने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों साथ में आ रहे हैं कि भाई दोनों की रजामंदी जरूरी है, तो उस केस में ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो दोनों पार्टीज का मेंबर नहीं होगा। ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो दोनों पार्टीज का मेंबर नहीं होगा, ना तो वो एम्प्लॉयर का मेंबर होगा ना ही वो एम्प्लॉय का मेंबर होगा। ठीक है, तो वो पर्सन कौन कहलाएगा, इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाएगा। और ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ये बेसिकली इन कमिटीज में हेल्प करता है, एज अ चेयरमैन भी ये वर्क कर सकता है। तो जो भी आपकी कमिटी बन रही है, एडवाइजरी बोर्ड बन रहे हैं, उनमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और इंडिपेंडेंट पर्सन, इस तरह के मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, बट वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो इनके रिकमेंडेशंस जो है, जो कमिटी ने दिए हुए हैं, उनको वो माने। ठीक है ना, जो कमिटी यहाँ पर बनी हुई है, कमिटी ने अपना अपना सजेशन दिया है, लेकिन गवर्नमेंट बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट जो चाहे वो करेगी वो। ठीक है, वो बाउंड नहीं है कि उसे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नाउ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसा भी मैंने बताया था, एडवाइजरी बोर्ड जो है डिफरेंट क्लासेस की, वो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि पब्लिश करा देते हैं रिकमेंडेशंस को नेशनल पब्लिकेशंस में, जिससे कि कमेंट बुलवा सके ये। देन हियरिंग द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव थे लाइक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट पर्सन, उन सब की बात को ये सुनते हैं, और सुनने के बाद में फिर ये अपना नोटिफिकेशन दे देती है। कौन? गवर्नमेंट जो है वो अपना नोटिफिकेशन दे देती है मिनिमम वेज के रिगार्डिंग। तो दे आर दी फिक्सेशन मशीन, कि किस तरह से ये फिक्स हो रहा है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 7 एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, सेक्शन 7 एडवाइजरी बोर्ड मतलब जो कमेटी बन रही है, जो एडवाइजरी बोर्ड बन रही है, वो क्या है, वो क्या काम कर रही है। तो ये जो कमिटी है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, ये क्या करती है, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स। ये क्या करेंगे, ये एडवाइज करने का काम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है जो इन मैटर्स में हेल्प करती है फिक्स कराने के लिए, एडवाइजरी नाम से बस याद रख लो कि एडवाइस देने का काम कर रहे हैं। किसको एडवाइस दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहा है। किस लिए एडवाइस दे रहा है, मिनिमम रेट को फिक्स करने के लिए एडवाइस दे रहा है। इतनी बस याद रख लो, आपको याद रहेगा। ठीक है, और अच्छा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इसमें मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो मेंबर्स वैसे तो 2 साल के लिए बाउंडेड रहते हैं, लेकिन अगर चाहे तो जब तक वो रिप्लेस ना हो तब तक वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, वैसे मेंबर्स 2 साल के लिए रहते हैं, लेकिन अगर वो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं तब तक वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें ये बताया गया कि ये जो कमिटी होती है, इन कमिटीज में जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर्स मेंबर्स होंगे, यानी कि एम्प्लॉयर इक्वल टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जो आपका इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो रहेंगे वो एक तरह से जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/3 रहेंगे, है ना। टोटल मेंबर अगर 3 है तो 1 इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर मतलब 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 तक आपके जो है वो पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं।
और दूसरी बात यह है कि इन इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से, मान लीजिए अगर 10 पर्सन है, 10 में से आपका 3 पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो उसमें से 1 पर्सन जो है वो कौन रहेगा, एज अ चेयरमैन रहेगा, जो उस एडवाइजरी बोर्ड को देख रेख करने का काम करेगा, वो एज अ चेयरमैन काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। एडवाइजरी बोर्ड क्या करने का काम कर रही है, एडवाइस करने का काम कर रही है। इसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो इक्वल नंबर्स के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के मेंबर रहेंगे। 1/3 पार्ट टोटल मेंबर्स का इंडिपेंडेंट पर्सन का रहेगा। इंडिपेंडेंट पर्सन में से ही 1 पर्सन जो रहेगा वो चेयरमैन रहेगा। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 8, सेंटर एडवाइजरी बोर्ड। सेंटर एडवाइजरी बोर्ड, इसका भी काम सेम वही होता है, टू एडवाइज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग ऑफ द मिनिमम वेज ऑफ पेड। ये भी इसी का ही काम करती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। जितने भी एडवाइजरी बोर्ड के काम रहेंगे उनको ये कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। ठीक है, एक तो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी और दूसरा कोऑर्डिनेट करेगी एडवाइजरी बोर्ड को। क्लियर, तो ये था आपका आज तक का सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 8। आई होप आई ट्राई टू लाइक कंप्लीट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, और आई होप कि समझ में आ भी गया हो। अगर कोई भी डाउट आता है आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।